अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरह से आप लोग अपने ब्लॉग सेक्शन के अंदर या अपनी वेबसाइट के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट बेसिकली क्या होता है, एक किस्म का इंडेक्स होता है आपकी ब्लॉग का, जो आपके विजिटर को बताता है कि कौन सी चीज़ या कौन सा टॉपिक आपके ब्लॉग के किस सेक्शन के अंदर मौजूद है। तो डायरेक्टली जो यूज़र है उस वाली जगह को स्पेसिफिकली जिसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए आया है आपके ब्लॉग या वेबसाइट के ऊपर, उसको एक्सेस कर सके इजीली वे के अंदर, राइट। तो हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट सेटअप कर सकते हो अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, हमारे पास एक ब्लॉग पोस्ट है और यहाँ पे हमारे पास ये देखें ये टेबल ऑफ कॉन्टेंट है। अब इस टेबल ऑफ कॉन्टेंट में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं या हेडिंग्स हैं इस ब्लॉग के अबाउट। और लेट्स सपोज अगर मुझे इस चीज़ के अबाउट जानना है, अपडेटेड एंड चेंजेस इन 2023 प्रोग्राम, तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखें वो सीधा मुझे इसी इंफॉर्मेशन के अबाउट ले आया है। तो ये यूज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। तो इसको किस तरह से ऐड करेंगे, सिंपल आप लोगों ने आ जाना है अपने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पे हमने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है जॉली TOC। इसको आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, एड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो प्लगइन है वो इंस्टॉल करेंगे, जॉली TOC। नॉर्मली जो लोग इंस्टॉल करते हैं वो TOC के नाम से इंस्टॉल करते हैं एक प्लगइन। उसके अंदर काफ़ी सारे बेसिक ऑप्शंस हैं, इतने एडवांस ऑप्शन नहीं है। आप ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते, डिज़ाइन नहीं कर सकते जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसको अपने थीम के मुताबिक, अपने डिज़ाइन के मुताबिक। तो यहाँ पे ये वाला हमारे पास प्लगइन है जिसको हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं और यहाँ पे ये हमारा प्लगइन आ चुका है इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करने के बाद। अब क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पे सिंपल आना है और इसकी सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिससे आप इसके कलर्स, इसकी सेटिंग्स, इसके डिज़ाइंस को चेंज कर सकते हैं, थीम को चेंज कर सकते हैं। मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाते हैं इस वाले फ्री प्लगइन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन लेफ्ट साइड पर मौजूद हैं कि हमने इसकी अपेयरेंस कहाँ पर शो करवानी है, मैक्सिमम मिनिमम विड्थ। ये काफ़ी सारे ऑप्शन, टन ऑफ ऑप्शंस हैं जिनको आप फ्री के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ये आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। फिर इसी तरह से आप यहाँ पे हेडिंग्स चेक कर सकते हैं कि कितनी हेडिंग तक आपके जो TOC टेबल ऑफ कंटेंट है वो बने, ठीक है। इसी तरह ऑटो इंसर्ट सिर्फ पोस्ट के अंदर हो, आप चाहें तो पेजेस या मीडिया के अंदर भी इनको शो करवा सकते हैं। इसी तरह से विजिट सपोर्ट और इस तरह से यहाँ पे देखें ये थीम, यहाँ पे देखें काफ़ी सारे और डिज़ाइंस मौजूद हैं। तो इनको आप इस तरह से क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो जो भी आपको पसंद है। इसके साथ ऐड करने के बाद आप इसको यहाँ से स्टाइल भी कर सकते हो, इसके अंदर मार्जिन, पैडिंग, इसके कलर्स, बॉर्डर कलर्स, सारे तरह के कलर्स जो हैं वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, हर तरह की चीज़ें। इवन आप कस्टम CSS भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, विच इज़ वेरी अमेजिंग, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लगइन है, राइट। इसी तरह से यहाँ पे ये ऑप्शन है फ्लोटिंग का और इसी तरह साइड आउट टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये थोड़े प्रो ऑप्शंस हैं बट इनकी आपको खासी ज़रूरत होती नहीं है। फिर प्रोग्रेस बार है, वो भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं प्रोग्रेस बार। तो ये थी बेसिक सी चीज़ें। तो इस तरह से आप इस प्लगइन को यूज़ करते हुए एक बहुत ही ज़्यादा शानदार खूबसूरत टेबल ऑफ कॉन्टेंट अपने ब्लॉग या पेजेस के अंदर ऐड कर सकते हैं विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी। टोटली फ्री प्लगइन है। किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर रिस्पॉन्स करूंगा। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझसे आके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, मैं आप लोगों को जरूर रिस्पॉन्स करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज आप तक पहुँचते।